सरकारी अस्पतालों में जन्मी बच्चियों को योगी सरकार देगी खास उपहार, मनाया जाएगा जन्मदिन। यूपी में मिशन शक्ति अभियान के तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मदिन मनाया जाएगा। मिशन शक्ति इन उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मिशन शक्ति अभियान के तहत 22 जनवरी को जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मदिन मनाया जाएगा। योगी सरकार की ओर से माँ और बेटी को उपहार भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मिशन शक्ति अभियान के तहत 22 जनवरी को जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मदिन मनाया जाएगा। योगी सरकार की ओर से माँ और बेटी को उपहार भी दिया जाएगा। यही नहीं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत जनवरी में जन्म लेने वाली बेटियों के बराबर पौधरोपण भी किया जाएगा। जिन ब्लॉक में बेटियों की संख्या काफ़ी कम है, वहाँ सभी ग्राम सभाओं से डिजिटल एनालॉग गुड्डा गुड्डी बोर्ड की शुरुआत की जाएगी। बेटियों की संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत नए नए आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनवरी फरवरी माह में सरकार महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 22 जनवरी को सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके तहत माँ व बेटी को उपहार भी दिए जाएंगे। बेटियों की मदद के लिए होगी कैरियर काउंसलिंग। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही बेटियों की मदद के लिए उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। जिलाधिकारी व उच्चाधिकारियों द्वारा ऑफलाइन व ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। सभी जिलों में जिलाधिकारी के साथ 24 फरवरी को किशोरियों व महिलाओं की 2 घंटे तक यौन शोषण, लैंगिक असमानता, कन्या भ्रूण हत्या आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। वेबिनार व चौपाल आदि के माध्यम से भी संवाद किया जाएगा। डिजिटल एनालॉग गुड्डा गुड्डी बोर्ड की शुरुआत, योगी सरकार प्रदेश में बेटियों के महत्व को दर्शाते हुए उनको सम्मान दिलाने के साथ शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को बढ़ावा दे रही है। इसी मुहिम के तहत 1 जनवरी से 20 जनवरी तक जन्म लेने वाली बेटियों की संख्या के बराबर पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। पौधरोपण के बाद इनके संरक्षण का जिम्मा पुरुषों को सौंपा जाएगा। साथ ही बालिकाओं के निम्न लिंगानुपात वाले ब्लॉकों की सभी ग्राम सभाओं से डिजिटल एनालॉग गुड्डा गुड्डी बोर्ड की शुरुआत की जाएगी।